नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गार्डनिंग विद सतपाल में। दोस्तों, आज हम अपने खेत पर आए हुए थे। आप देख सकते हैं जैसे अभी गेहूं की फसल का सीज़न है, तो हर तरफ गेहूं की फसल बोई हुई है और ये एक हरित क्रांति का नज़ारा आप देख सकते हैं। और दोस्तों, आज हम इसके दौरान बात करेंगे, हमारे खेत में एक अमरूद का पेड़ है और देखिए कि ये फलों से कैसे लदा हुआ है। अभी मैं आपको दिखाऊँगा, हमने कुछ अमरूद हार्वेस्ट किए हैं आज, और इस पेड़ की एकदम क्वालिटी भी सही है और टेस्ट भी अमरूद का बहुत अच्छा है। और मैं ये आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि भाई, जब हम एक पेड़ उगाते हैं उसके लिए जितनी मेहनत करते हैं, तो वो पेड़ हमें उससे कई गुना ज़्यादा देता है। दोस्तों, आप देखो इसमें कितने ज़्यादा अमरूद नीचे गिरे हुए हैं, ये देखो हर जगह, क्योंकि ये खेत में इधर आना जाना कम होता है, तो इस प्रकार से इसके अमरूद पक करके और खुद ही नीचे टूट कर गिरते रहते हैं। और देखिए कितना ज़्यादा इसमें गिरा हुआ है, और इससे बहुत ज़्यादा फल आया हुआ है इस पर। और ये कोई जो भाई अमरूद खाने आया होगा, तो उसने अपना यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट छोड़ दिया, मतलब इस पेड़ को नुकसान पहुंचाया और चल दिया अमरूद खा करके। तो दोस्तों, मैं ऐसे लोगों से अपील करूंगा कि आप, जब आपको प्रकृति इतना कुछ दे रही है, तो फिर भी आप उसके साथ ऐसे खिलवाड़ क्यों करते हो। दोस्तों, इस पेड़ का वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है, और वो ये कि आप, हम कुदरत को क्या देते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, मतलब हर तरीके से जहर ही जहर उसके ऊपर हम डालते जा रहे हैं, लेकिन कुदरत हमें फिर भी अपना मिठास, अपना प्यार और अपनी, हर पेड़ अपनी छांव देता है। दोस्तों, जितना हो सके आप इस जहर से व्यक्ति को बचाओ और अपने आने वाले जीवन को जहर मुक्त बनाओ, क्योंकि जितना आप जहर बोओगे दोस्तों, उतना ही जहर हमें खाने में वापस मिलता है। तो इस प्रकार मैं यही कहना चाहूँगा आपको कि आप भाई, हर घर में एक फलदार पेड़ लगाएं और उसकी प्रॉपर केयर करें, और उससे आपके बच्चों को आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी, और जो एक नेचुरल स्वाद है, आप वो स्वाद भी, उसका आनंद ले पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं थोड़े से हार्वेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आप, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, तो आप इसको शेयर भी करना दोस्तों। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि भाई, आप इस वीडियो बनाने का मतलब मकसद कोई किसी कोई प्रमोशन या वो नहीं है, मैं सिर्फ आपको प्रकृति से मिलने वाले उपहार या मिठास या प्यार का बताना चाहता हूँ कि देखो, प्रकृति हमें कितना कुछ देती है, और हम इंसान हो पर फिर भी ये नहीं समझते कि हमें प्रकृति के लिए क्या करना चाहिए। हम फिर भी अपने लालचवश उसके ऊपर आए दिन कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। तो दोस्तों, मैं गुजारिश करूँगा कि आप केमिकल फ्री खेती छोड़ो, और जहाँ तक संभव हो सके आप मतलब कम इस्तेमाल करो, और ऑर्गेनिक या केमिकल फ्री आप गार्डनिंग करो या फार्मिंग करें। लेकिन दोस्तों, एक वही बात करूँगा बार बार कि भाई, केमिकल फ्री हो ताकि आप आने वाले अपने बच्चों के लिए कुछ तो सुखद परिणाम दे सको। तो आप देखते, जैसे इस पेड़ पे हम फल तोड़ रहे हैं अभी अमरूद के, और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा है। और तो दोस्तों, सभी साथियों से, सभी प्रकृति प्रेमियों से एक अपील कि अपने घरों में एक एक फलदार पेड़ ज़रूर लगाएं, और अपने बच्चों को भी प्रोत्साहित करें कि हमें प्रकृति को बचाने के लिए वही पेड़ उगाने चाहिए, और उसकी प्रॉपर केयर भी करें अपने लाइफ में, और आने वाले अगली पीढ़ी को भी हम एक सीख दें कि हाँ, हमने देखो प्रकृति से कुछ लिया है, तो कैसे
प्रकृति को बचाने का प्रयास भी किया है। तो सभी दोस्तों से यही कहूँगा कि आप फलदार पौधे लगाओ, धरती को बचाओ और पोल्यूशन फ्री भी करो, जितना हो सके पोल्यूशन कम करो। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरी बात का समर्थन करेंगे और पेड़ पौधे उगाएंगे, धरती को बचाएंगे, धरती गार्डनिंग दोस्तों। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने आज टोटल कितनी हार्वेस्टिंग करी है इस अमरूद से। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको थैला खाली करके दिखाऊं तो देख सकते हैं ये। और दोस्तों ये सिर्फ आज की हार्वेस्टिंग है हमने जो करी है, इससे कम से कम भी ये 10 किलो अमरूद होंगे। और इनका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो और हम इससे पहले भी इससे 5-6 बार हम हार्वेस्टिंग कर चुके हैं और उससे ज़्यादा दोस्त अब नीचे पड़े हैं, ये फल ख़राब हो रहे हैं। तो हम ऐसे तो किसी को मना नहीं करते, कोई भी आए खाए, लेकिन बस गुस्सा तभी आता है दोस्तों, बहुत बुरा लगता है जब कोई ऐसे पेड़ को नुकसान पहुंचाता है। जैसे वो पूरी टहनी तोड़ दी है किसी भाई ने, तो मैं उससे फिर से अपील करूँगा कि भाई आप आओ, एंजॉय करो, फल खाओ, लेकिन पौधे को नुकसान मत पहुँचाओ। तो उम्मीद है कि वो इस मैसेज के माध्यम से ज़रूर समझेगा। तो दोस्तों आप भी अमरूदों का स्वाद लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। तो हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों, टेक केयर।